ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को आशीष मिश्रा की तरफ से नमस्कार है, और सभी साथियों से अपील भी है और निवेदन भी है, और आगे जो दिशा निर्देश सभी साथियों के सहयोग से रहेगा और संघर्ष की जो आगे कार्यशैली तैयार करनी है, और इसके अलावा जो हमारे साथी अभी तक पेंडिंग रह गए हैं, हर चीज़ के लिए आज ऑल इंडिया के अप्रेंटिस एसोसिएशन के पेज पे लाइव आकर के आप सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता है। आज आप सभी साथियों के जुड़ाव की आवश्यकता है। आप सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आगे की हम लोगों को रूपरेखा बनानी चाहिए, जिससे जो बचे हुए हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं जिनका समायोजन अभी तक रेल में नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए आगे क्या कार्यशैली तैयार करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आज मैं लाइव आप लोगों के बीच में आया हूं, और आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी अप्रेंटिसेस के बीच में इसको शेयर जरूर करें, और एक एक अप्रेंटिस साथी संघर्ष के मैदान के लिए तैयार हो जाए कि आगे हम लोगों को संघर्ष के मैदान में क्या करना है, कैसे करना है। और जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि जो मौजूदा इस समय है, मौजूदा समय में जो हमारे बहुत से रेल अप्रेंटिस साथियों का समायोजन भी रेल में हुआ है, कुछ पेंडिंग केसेस भी चल रहे हैं, तो कुल मिला के रेल अप्रेंटिसेस का समायोजन रेल में हुआ। रेल में ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन लंबे समय तक संघर्ष किया, संघर्ष करने के बाद में बहुत से साथियों को सफलता भी दिलाई, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएम पावर की लड़ाई ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ने शुरू की थी। शुरू करते करते रेलवे बोर्ड ने ज़बरदस्ती हम लोगों को 20% का कोटा दे दिया। 20% का कोटा देने के बाद में जब उसको हम लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो लगातार संघर्ष रहा। तो संघर्ष के दौरान जो है 1/3 और PET माफ दिया गया। अब जो अप्रेंटिस साथी उसको बेहतर तरीके से सफलता से पढ़ाई किए और कुछ उनके सही तरीके से कार्य हुए, तो उसकी वजह से उन लोगों को सफलता भी मिली है। बहुत से साथी हमारे जो है वंचित भी रह गए हैं। तो ऐसे में आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से PET मिला, PET फ्री हुआ, उसके अलावा जो है 1/3 का लाभ मिला है, उस तरीके से रेल अप्रेंटिसेस का जो ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन का उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से रेल अप्रेंटिस को रेल में लाने की व्यवस्था की जाए, जिसमें AIRF के महामंत्री कॉमरेड शिवगोपाल मिश्र जी का एक विशेष भूमिका रही है, और महामंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार जिस तरीके से भी ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन ने कार्य किया, उस हिसाब से अप्रेंटिसेस को सफलता मिली है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। जब तक हमारे सभी रेल अप्रेंटिस साथियों का समायोजन रेल में नहीं हो जाए, तब तक उसको पूर्ण सफलता नहीं कही जाएगी। तो ऐसे में देखिए साथियों, एसोसिएशन का मामला है और लाइव बोल रहा हूँ, हमें बरगलाने वाले, हमें भड़काने वाले, हम लोगों को गलत बोलने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हमें अपनी यूनिटी को बरकरार रखना है। ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथी जिस तरीके से एक साथ एकता बनाकर के संघर्ष करते हैं, उन्हीं संघर्षों की देन है कि आज 8,000 से 10,000 रेल अप्रेंटिस जो है रेल की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में रेल लगभग ज्वाइन भी कर चुके हैं, कुछ जोनों में रह गए हैं या कुछ पेंडिंग केस रह गए हैं, लगभग वो भी ज्वाइन होंगे ही भगवान के आशीर्वाद से। लेकिन समस्या ये है कि अभी हमारे सभी रेल अप्रेंटिसेस का भविष्य का फैसला तो हुआ नहीं है, और भविष्य के फैसलों को ध्यान में रखते हुए ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन आज आप सभी साथियों का आह्वान भी कर रहा है। और आह्वान इसलिए कर रहा है साथियों, क्योंकि जैसे हमारे जो पुराने लीडर्स थे वो लगभग सब पास हो गए, पास होने के बाद में समायोजित भी हो गए, आज रेल में कहीं ना कहीं पर अपना जगह बनाए हैं। तो अब हम लोगों को आगे अपना अधिकार पाना है, अब हमें आगे अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी है। जैसा कि मैं हर आए दिन आप लोगों के बीच में कहता था कि बिन हवन पत्ता हिलता है, बिन लड़े न हिस्सा मिलता है, तो लड़ाई हमें अपनी जारी रखनी है। जारी रखने के लिए तमाम जोनों में जो है रेल अप्रेंटिसेस का जुड़ाव भी चाहिए, और जो हमारे पुराने साथी हैं वो सब साथी तो एक्टिव हो ही जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है। और तो आप सभी साथियों से मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से अभी तक संघर्ष चला है, उस संघर्ष को हमें दिशा देनी है, और दिशा देने के लिए जो हमारे पुराने साथी एक्टिव होकर आगे आ रहे हैं वो लोग अपना अपना नाम लिखें, और जो हमारे साथी जो अभी 109, 110, 111 बैच के हैं वो सभी साथी भी जो है अब अपने अपनी जिम्मेदारी को संभालें, जोन में अपनी एकता बताएं, कहाँ पे कितने लोग हैं, किस तरीके से संघर्ष के मैदान को तैयार करना है, और जो पुराने साथी हैं, जो नए साथी हैं, उन सबको मिलकर के एक नई दिशा में कार्य करना, जिससे ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का जो उद्देश्य है, एक एक रेल अप्रेंटिस का जो है रेल में समायोजन हो, उसमें आप सभी साथियों की अहम भूमिका होनी चाहिए। और बहुत जल्द आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म के माध्यम से आप सभी लोग उसमें एंट्री करेंगे, जिसमें आप लोगों
खुद बताएंगे कि अपने अपने क्षेत्र में कितने कितने अप्रेंटिसेस के साथ किसका किसका जुड़ाव है। यदि एसोसिएशन नेशनल लेवल से लेकर के और स्टेट लेवल से लेकर के वर्कशॉप लेवल से लेकर जोन लेवल तक जहाँ जहाँ भी एसोसिएशन अपना कोई प्रोग्राम तय करता है तो उस प्रोग्राम को हमारे कहाँ कहाँ के साथी किस किस तरीके से करेंगे और कितनी जल्द से जल्द हम लोगों को संघर्ष के मैदान में सफलता पानी है जल्द से जल्द, तो उसके लिए हमें एकता अपनी जरूर दिखानी पड़ेगी। तो ऐसे में आप सभी साथियों का मैं आह्वान करना चाहता हूँ, बहुत जल्द अभी गूगल मीट पर एक मीटिंग रखूँगा, उस गूगल मीट की मीटिंग में हम सभी साथियों को अपने अपने एरिए के अप्रेंटिसेस की संख्या बतानी है और कितने साथी कहाँ पे हैं उसी हिसाब से उसी जोन के साथी को जो है जिम्मेदारी भी दी जाएगी और बहुत जल्द ये डिसीजन लेकर के कुछ न कुछ फैसला लिया जाएगा जिससे रेल में सभी अप्रेंटिसेस का समायोजन हो, चाहे जो माध्यम बने, चाहे जीएम पावर बने, चाहे ओल्ड रूल बने या जो भी कुछ बने, लेकिन हमें सफलता मिलनी चाहिए। उस दिशा में कार्य करने के लिए आप सभी साथियों के सहयोग की आवश्यकता है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आप सभी साथी जो है जल्द से जल्द एक्टिव होकर के अपना गूगल फॉर्म भरेंगे, बहुत जल्द आप लोगों को गूगल फॉर्म मिलने वाला है और उस हिसाब से संघर्ष की जो है लड़ाई तैयार की जाएगी। और दोस्तों, आप लोगों का जो अधिकार है उस अधिकार को पाने के लिए जिस हद से गुजरना होगा हम सभी साथी मिलकर गुजरेंगे और अपने हक और अधिकार की लड़ाई को स्वयं लड़ेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी साथी जरूर सहयोग करेंगे। धन्यवाद साथियों, इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद।